मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक और नेता ने भरी सभा में कमलनाथ पर अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें कि अपनी ही पार्टी से खफा अजय सिंह ने कहा है कि हम अपनी ही पार्टी से बाहर हैं, पार्टी ने हमें अलग थलग कर दिया है। अजय जी के पास ज्यादा जोर ही उनसे कही दे कि भाई हमें एक मौका देते दौड़े हम दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि मेयर की सभा में अजय सिंह अपना भाषण दे रहे थे, उसी दौरान पूर्व 20 नेता अजय सिंह का दर्द झलक पड़ा। अजय सिंह ने कहा कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलने के कारण वे ठुठुर ठुठुर दौड़ रहे हैं। अजय सिंह ने भरी सभा में नरेश सरपुरा को संबोधित करते हुए कहा, आपका अध्यक्ष कमलनाथ के पास ज़्यादा जोर है, उनसे कह दो आपकी तरह हमें भी दायित्व दे दें तो हम भी दौड़ें। बता दें कि मध्य प्रदेश में पद को लेकर घमासान जारी है, जिसके चलते आए दिन पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ से नाराजगी बयां करते रहते हैं। अब अजय सिंह का भी दर्द झलक पड़ा है। कांग्रेस में यह लड़ाई जून में होने वाली राज्यसभा सीट को लेकर चल रही है। इस सीट को लेकर अरुण यादव अजय सिंह ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। अब देखने वाली बात यह हुई कि कांग्रेस अपने किस नेता को खुश कर पाएगी। आपको बता दें कि भाजपा की सरकार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी छाप छोड़ चुके अजय सिंह को लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि वह पार्टी में कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपेगी, लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी ने उनकी पूरी तरह अनदेखी हुई। इस बात से नाराज चल रहे अजय सिंह का दर्द झलक पड़ा।